नमस्कार साथियों, डेली राजस्थान करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 27 अगस्त 2024 राजस्थान करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं राजस्थान करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। आज के दिन का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन है किसने किया है। आपसे पूछा है कि हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय में संग्रहालय का है जो उद्घाटन है किसने किया है। इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, रहने वाला है और आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का उद्घाटन है किसने किया, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। मोदी जी साथियों राजस्थान कि जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम के समापन समारोह को संबोधित किया था। इसके अलावा साथियों प्रधानमंत्री ने राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है और इसे मजबूत करने से राष्ट्र और इसकी व्यवस्था और मजबूत होगी। साथियों हाल ही के अंदर राजस्थान उच्च न्यायालय यानी जोधपुर जो अपना है वहां पर इसका साथियों आपको पता है मुख्यालय, और इसका प्लेटिनम जुबली साथियों कार्यक्रम था और उसके अंदर साथियों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए हुए थे। उन्होंने साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय संग्रहालय का है जो उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला और इसे मजबूत करने से राष्ट्र और उसकी व्यवस्थाएं और मजबूत होगी। तो अपने आप में ये क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रदेश में श्री कृष्ण गमन पथ बनाने की घोषणा किसने की है, तो साथियों आंसर रहेगा भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। हाल ही के अंदर साथियों राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा साथियों ये घोषणा की गई है कि श्री कृष्ण गमन पथ बनाया जाएगा और इसके अंदर साथियों राजस्थान व मध्य प्रदेश में बनेगा श्री कृष्ण गमन पथ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की घोषणा, भरतपुर कोटा झालावाड़ होते हुए धार्मिक सर्किट बनेगा दोनों के बीच में राजस्थान और मध्य प्रदेश तक साथियों, और इसके अंदर साथियों ये बनेगा भरतपुर कोटा और झालावाड़ होते हुए धार्मिक सर्किट को बनाया जाएगा। भजनलाल शर्मा ने कहा कि भगवान कृष्ण के गमन पथ को जल्द ही तीर्थ स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा साथियों इसके अंदर जो अपने कहाँ से बनेगा, तो भरतपुर कोटा और झालावाड़ होते हुए साथियों मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन तक साथियों ये जो जानकारी निकल कर आ रही है कि ये श्री कृष्ण गमन पथ बनेगा और इसके अंदर भरतपुर कोटा झालावाड़ होते हुए इसका निर्माण किया जाएगा और इसकी घोषणा है जो हाल ही के अंदर साथियों मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा की जा चुकी है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना को बेहतर संचालन के लिए किसे उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, तो आंसर हो जाएगा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन को। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा है कि हाल ही में प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना को बेहतर संचालन के लिए किसे उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को। एक्सप्रेस कंप्यूटर इंडियन एक्सप्रेस वुमेन द्वारा लखनऊ में इंटरप्राइज एप्लीकेशन श्रेणी में राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को यह पुरस्कार मिला है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है साथियों कि हाल ही में प्रदेश में ई औषधि सॉफ्टवेयर के माध्यम से निःशुल्क दवा योजना को बेहतर संचालन के लिए किसे उत्कृष्टता पुरस्कार मिला, तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को यह पुरस्कार मिला है। तो अपने आप में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में नेत्र ज्योति अभियान चलाया जा रहा है, तो भीलवाड़ा के अंदर साथियों है जो यह अभियान चल रहा है। भीलवाड़ा के जिला कलेक्टर हैं साथियों नमित मेहता, उन्होंने यह नवाचार किया साथियों। उनके मार्गदर्शन में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों की आंखों की जांच निःशुल्क की जा रही है और उसके बाद साथियों जो आवश्यकमंद विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क साथियों चश्मा दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, एक नवाचार है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान के किस जिले में नेत्र ज्योति अभियान चलाया गया था, तो आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर चलाया गया था साथियों। जिला कलेक्टर कौन थे, नमित मेहता के द्वारा ये साथियों कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका निःशुल्क साथियों आंखों की जाँच है जो की गई और उसके बाद जो आवश्यकमंद थे उनको है जो साथियों है जो चश्मा भी इसके अंदर दिया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि पीएम श्री योजना के तहत राजस्थान से द्वितीय चरण में कितने विद्यालयों का चयन किया गया था, तो आंसर हो जाएगा 237। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है साथियों कि हाल
हाल ही के अंदर जो एक एग्जाम हुआ था, महात्मा गांधी जो स्कूल है उनके अंदर साथियों, जो टीचर थे उनके लिए जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर साथियों, जो अपने राजस्थान से प्रथम चरण में कितने पीएम श्री जो विद्यालय थे उनका चयन किया गया था, तो प्रथम चरण के अंदर 402 विद्यालयों का साथियों चयन किया गया था। और उसके बाद साथियों, अगर अब आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षा हो उसमें ये पूछा जाए आपसे कि द्वितीय चरण के अंदर कितने का किया गया था, तो वो आंसर हो जाएगा आपका 237 का किया गया था। कितना? 237 विद्यालय है उनका साथियों किया गया था, ये आपको याद है रखना है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, प्रथम चरण का तो साथियों पूछा जा चुका और द्वितीय चरण का साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में है जो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। अब अपने साथियों सूझ सारे देख लेते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में कहा कि राष्ट्रीय एकता भारत की न्यायिक प्रणाली की आधारशिला है, ये अपने ऊपर है देखा था साथियों। इसके अलावा देख लेते हैं जो भी महत्वपूर्ण चीजें इसके अंदर है वो भी अपनी गलत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान उच्च न्यायालय का अस्तित्व भारत की एकता के इतिहास से जुड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा 500 से अधिक राज्यों को एक साथ लाने, उन्हें एकता के सूत्र में पिरोकर भारत निर्माण के प्रयासों को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, कोटा जैसे विभिन्न रियासतों के अपने उच्च न्यायालय थे जिन्हें एकीकृत करके राजस्थान उच्च न्यायालय है जो अस्तित्व में आया, ये स्टेटमेंट है रहा। इसके अलावा साथियों मुख्यमंत्री जी का क्या स्टेटमेंट रहा? इतिहास साक्षी है कि उच्च न्यायालय राजस्थान निष्पक्ष व न्याय संगत न्याय व्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ है। इसमें न्याय केवल राज्य के नागरिकों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है अपितु देश की कानूनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने में अपने अमूल्य योगदान के लिए जाना जाता है। इसके अलावा साथियों उन्होंने है जो महत्वपूर्ण बताया कि मोदी ने कहा कि भारत ने आजादी के कई दशकों के बाद है औपनिवेशिक मानसिकता से बाहर निकलकर भारतीय दंड संहिता की जगह भारतीय न्याय संहिता को अपनाया है। ये अपने इन्होंने जो महत्वपूर्ण अपने कार्यकाल किए, कार्यकाल में जो काम है किए थे उनके बारे में बताया है। न्यायपालिका ने राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार सजग और सक्रिय रहने की नैतिक जिम्मेदारी भी निभाई है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना भारत की एकता का आदर्श है, उदाहरण है, ये उन्होंने बताया। इसके अलावा साथियों उन्होंने जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी वो बताई। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल हरिभाव भागड़े, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री स्वतंत्र प्रभार कौन है? वर्तमान के अंदर है अर्जुन राम मेघवाल, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहन श्रीवास्तव भी साथियों यहाँ पर इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित थे, तो ये थोड़ी चीजें जो महत्वपूर्ण रह सकती है। इसके अलावा साथियों देखें संत महात्मा हमारे जीवन में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं, ये स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने कहा है। इसके अलावा साथियों मन की बात प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री पर्यावरण संरक्षण के लिए सदैव देशवासियों को प्रेरित करते हैं। मुख्यमंत्री मोदी ने रविवार को साथियों मन की बात के कार्यक्रम के 113वें संस्करण में देशवासियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर के SN मेडिकल कॉलेज सभागार में आमजन के साथ है जो साथियों प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद पहली बार बनाए गए नेशनल स्पेस डे के बारे में भी साथियों जो लोगों से इस पर जानकारी साझा की है। इसके अलावा साथियों पैरालंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए इन्होंने साथियों कहा कि चीयर फॉर भारत कैंपेन चलाने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री ने आगामी त्योहारों की बधाई देते हुए सभी देशवासियों से पेरिस पैरालंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के लिए उत्साहवर्धन के लिए चीयर फॉर भारत कैंपेन चलाने की भी अपील है की है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। साथ में पूछा जा सकता है कि पीएम के द्वारा साथियों पैरालंपिक्स गेम्स में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए कौन से कैंपेन चलाने की अपील की थी, #cheerforbharat, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। इसके अलावा राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिक सभा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है, ये इसके अंदर साथियों अपने पहले भी बातें कर चुके हैं कि राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन को प्रौद्योगिक सभा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो देख लिए। इसके अलावा साथियों सूझ सार से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में साथियों क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। मिलेंगे साथियों अगले सेशन के लिए, तब तक जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों
अगर आप किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण जानकारी इन्फ्यूजन नोट्स की लेना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पर आपको जितने भी नोट्स हैं उनके बारे में सभी जो नोट्स हैं वो इन नोट्स के अंदर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा साथियों टेलीग्राम व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम पर भी जुड़िए, वहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होती है प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित वो आपके साथ वहाँ पर शेयरें कर दी जाती है। तो जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट्स से, मिलेंगे अगले सेशन के लिए, तब तक धन्यवाद साथियों।